मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। किशनगंज जिला का स्थापना दिवस समारोह आज सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। खगड़ा स्थित शहीद अशफाक उल्ला खां स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसके लिए स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं मुख्य मंच की भी आकर्षक सजावट की गई है। इसके अलावा स्टेडियम में लगने वाले किसान मेला व विकास मेले के लिए 2 दर्जन से अधिक स्टॉल का भी निर्माण कराया गया है। इस स्टॉल में विभिन्न कृषि उत्पाद के अलावा जीविका महिला स्वयं सहायता समूह सहित विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल भी रहेंगे। समारोह में विभिन्न योजना के लाभार्थियों को जहां लाभान्वित किया जाएगा, खेल प्रतियोगिता के विजेताओं सहित रक्तदान करने वाले को मंच पर जिलाधिकारी श्री महेंद्र कुमार जी द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। रविवार को समारोह स्थित की तैयारियों का जायजा सदर SDM रोज अख्तर द्वारा लिया गया और आज इस प्रोग्राम को भी सफलतापूर्वक किया गया है। जिस प्रोग्राम में किशनगंज जिलाधिकारी श्री महेंद्र कुमार जी मौजूद रहे और यही SP भी मौजूद है व अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और ये स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस दिवस समारोह के अंतर्गत की तालीम एक योजना है जो एक ऐप है। ऐप के माध्यम से जो बच्चे 10th के बाद 10th क्लास के जो जिस विषय में शिक्षा लेना चाहते हैं उसके द्वारा ई तालीम के द्वारा उस ऐप के माध्यम से उन लोगों के लिए एक सहयोग है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ई तालीम के जो अधिकारी हैं। तो मैं सुभाष चंद्र वर्मा, मैथमेटिक्स टीचर प्लस टू हाई स्कूल तुलसिया। ये यहाँ हमारे GDC साहब और शिक्षा विभाग के अधिकारियों सर के द्वारा सहयोग के करके 10th क्लास के बच्चों का खास करके मैथ साइंस और इंग्लिश में बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब होता था, तो प्रयास किया गया यहाँ के एक्सपर्ट टीचर हमारे अशोक प्रसाद सर और हमारे हर्षद सर, ये सब साइंस और मैथ्स और भी शिक्षक जुड़े हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट एक ऐप डेवलप किया गया और ऐप को पूरे विश्व में लागू कर दिया गया और हर जगह खास करके हमारे किशनगंज जिला के हर स्कूल में शनिवार रविवार के स्पेशल क्लास ऐप को लैपटॉप के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है और बच्चे कहीं भी घर में सोते जागते बैठते मोबाइल में उसको डाउनलोड करके खोल करके कोई भी टॉपिक खोल करके उसको पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य जो है इस बार 10th का रिजल्ट पिछले साल के रिस्पेक्ट में कम से कम 20% ज्यादा अच्छा इम्प्रूव करेगा। और आइए जाने की कोशिश करते हैं हमारे साथ और एक शिक्षक मौजूद हैं, इसी तालीम को लेकर के उनकी क्या योजना। मैं अरशद आजम फारूकी प्लस टू रसल हाई स्कूल साइंस शिक्षक हूँ। ये जो ई तालीम ऐप्स है इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ऐप टोटल हिंदी में है और इस ऐप में जो सुदूर क्षेत्र के बच्चे जो जिस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो सारा नोट्स, वीडियो क्लासेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर का जो ये समरी है पूरा ई ऐप्स में, इस ऐप में मौजूद और इसमें खंडवार है। इसमें जिले के लगभग 18 शिक्षकों ने बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया इस ऐप को बनाने में और जी जान से इस पर मेहनत किया और इस ये ऐप आज धरातल पर कामयाबी का परचम लहरा रहा है और हर स्कूल में इस ऐप के द्वारा हर स्कूल में प्रोजेक्टर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से इसको प्रसारित किया जा रहा है और इस ऐप को फुल फ्लेज कवरेज के लिए स्पेशल क्लास का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार और रविवार को प्रखंड के 7 विद्यालय में, चुने हुए विद्यालय में, जिला के 7 विद्यालय में, जैसे आपके कोचाधामन में आपका जिस स्कूल का चयनित हुआ है इस ऐप को दिखाने के लिए, तो कारकुन लाल उच्च विद्यालय अल्ताहाट, बहादुरगंज में प्लस टू रसल हाई स्कूल, आपका तुलसिया में प्लस टू हाई स्कूल तुलसिया, ठाकुरगंज ब्लॉक में प्लस टू हाई स्कूल ठाकुरगंज, कुठिया में प्रोजेक्ट आजाद विद्यालय कुठिया, भेड़ाघाट में हाई स्कूल हाईस्कूल भेड़ाघाट, इसमें इस ऐप के माध्यम से बच्चों को जागरूकता किया है कि अगर आपका कोई नोट्स छूटा हुआ है, कोई चैप्टर छूटा हुआ है, आप इस माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और वहाँ विशेषज्ञ टीचर इसको पढ़ाने में, इस ऐप के द्वारा पढ़ाने में बच्चों को फुल मदद कर रहे हैं ताकि बेहतर भविष्य में जो कमिंग जो ये बोर्ड का एग्जाम है इसमें हमारा जिला पूरे
राज्य में अव्वल दर्जा प्राप्त करे, इसके इसमें पूरी प्रशासन और शिक्षा विभाग इसमें जोर शोर से। अभी अगर सर्वे थोड़ा सा किया है तो जैसे बहादुरगंज में लगभग आपका पूरे ब्लॉक में लगभग आपका 400 स्टूडेंट्स इस ऐप को ये कर रहे हैं, जो कि लास्ट सर्वे ये है। उसी तरह खेड़ाघाट में भी अच्छे खासे लोग कर रहे हैं, यानी जो भी लड़का अगर उनके माता पिता के पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो सुगमता पूर्वक वो नोट्स को, अगर नोट समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो क्लासेस को, अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर उसको दुश्वारी है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो इसलिए एक सारांश नोट्स का भी, पूरे चैप्टर का सारांश क्वेश्चन आंसर से हटकर नोट्स के शक्ल में दिया गया है, तो उससे बच्चों को बहुत सुलभता उसमें पढ़ने में। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि तालीम ऐप जो है जो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट किसी कोर्स में पीछे हैं, वो इस ई तालीम ऐप के द्वारा वीडियो डाउनलोड करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं इनके कार्यालय से। और अभी हम खड़े हैं किशनगंज जिले के अशफाकउल्लाह खान स्टेडियम में, जहां आज किशनगंज जिले का 19वां जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हमारे माननीय जिला किशनगंज जिला के अधिकारी महेंद्र कुमार जी के द्वारा हुआ। और इस दिवस समारोह में स्टेडियम के अंतर्गत आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि काफी तरह का जो है ये स्टॉल लगा हुआ है, तकरीबन 38 स्टॉल यहाँ पर लगा है, जिसमें कुछ स्टॉल जो है वो कृषि मेले के तौर पर है, कुछ स्टॉल जो है शिक्षा विभाग की तरफ से है, कुछ स्टॉल जो है कन्या विवाह योजना की तरफ से है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के स्टॉल पर, जो हमारे शिक्षा विभाग के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी श्री अमरजीत सर, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थापना दिवस समारोह में इस विभाग की तरफ से क्या क्या जानकारी लोगों तक पहुंचाई। स्थापना दिवस समारोह में आज हम लोग उन लाभुकों को बुलाए थे जिनको इस योजना से लाभ दे सकते हैं। सरकार की भी महात्मा गांधी योजना है, आप जानते हैं बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें से हम लोग काफी अच्छा इस जिला में कर पा रहे हैं। बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम में अभी तक हम लोग 1149 बच्चों का लोन सेंक्शन किया है। जब से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत शिक्षा वित्त निगम का गठन हुआ है, बच्चों को पैसा मिलना काफी आसानी हो गई है और उसमें से हम लोग अभी तक 1007 बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता में भी हम लोग स्टेट में दूसरे तरह से लेकर चल रहे हैं लगातार। हम लोग अब तक 6570 बच्चों का भत्ता से सकते हैं। ये योजना सर कब तक चलेगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है? इसकी कोई समय सीमा नहीं है, सरकार ने ये योजना लॉन्च की है युवाओं के लिए, यूथ के लिए। और ये तो जो जो नए नए टारगेट ग्रुप के बच्चे से इस बार जो बच्चे पास करेंगे आगे की पढ़ाई करेंगे बंद नहीं होने। इस तरह की शिक्षा जो मतलब तकनीकी शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है या नॉर्मल जो शिक्षा है उसके अंतर्गत इसमें फाइनेंस सरकार का जो ये स्कीम है वो सिर्फ 12th के बाद हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के अंतर्गत लगभग सारे कोर्सेज जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है जैसे बी ए बी एस सी डीकॉम और या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है, सब 243 कोर्सेज ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के और मास्टर डिग्री के, वो सारे कोर्सेज हम लोग उसके लिए सुविधा हम बड़ा ये जो सीमांचल का ये डिस्ट्रिक्ट है शिक्षित शिक्षा में काफी पूरा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं जैसे 13% बच्चे पूरे बिहार में हायर एजुकेशन में इनरोल हो पाते हैं और ये तो स्टेट का है, बिहार का है, जबकि नेशनल लेवल पे 24% हम चाहते हैं। उसमें किशनगंज का मुझे लगता है कि वो 5-7% से ज़्यादा नहीं होगा, कोई डाटा तो नहीं जो कर सकते, लेकिन जिस तरीके से लड़कों का रुझान है, बच्चों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस साल हम लोग कम से कम 3000 बच्चों को दे पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इंटर के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं वो इस योजना का लाभ जरूर लें। 1990 में जो शिक्षा का व्यवस्था था जो प्रतिशत था वो 34% था, आज के डेट में जो है 55% किशनगंज जिले में शिक्षा का जो है वो विकास हो चुका है, इस योजना के तहत कितना परसेंट और विकास हम लोग कर सकते हैं? देखिए आप जो पूछ रहे हैं वो आप बेसिक शिक्षा लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 12th के बाद जो आगे की पढ़ाई करते हैं
उसके लिए हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस राज्य का, जिस देश का, जिस समाज का, जिस डिस्ट्रिक्ट का हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट या एजुकेशन जितना ज्यादा प्राप्त करेगा उसकी उस जिले की स्थिति उतनी अच्छी होगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे अमरजीत सर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पदाधिकारी थे, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से हम लोग उच्च शिक्षा को जिले के स्तर से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अमित कुमार, कैमरामैन योगेश कुमार के साथ प्राइम।